हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहां पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है एक स्क्वायरिश फॉर्म में नजर आ रही है, कुछ इस तरह की शेप इनकी हथेली की, जो यहाँ पर इंडिकेट करती है काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को देखा जाए तो फिंगर्स काफी थिक हैं और अच्छी लेंथ में नजर आ रही है। आपको दिखाना चाहूंगा ड्रॉ कर, यह जो एरियाज हैं यहाँ पर काफी थिक नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर इनकी फिंगर्स की लेंथ को अगर देखा जाए तो इनकी बृहस्पति फिंगर की लेंथ यहाँ पर काफी अच्छी नजर आ रही है। व्यक्ति काफी स्पिरिचुअल रहते हैं जिनकी बृहस्पति फिंगर लंबाई में हो, बृहस्पति माउंट भी अगर साथ ही साथ प्रोमिनेंट हो, यह वाला जो एरिया रहता है बृहस्पति माउंट का होता है, अगर यह भी प्रोमिनेंट हो जैसे यहाँ पर उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, बृहस्पति फिंगर की लेंथ अच्छी हो, तो ऐसे व्यक्ति की नॉलेज बहुत अच्छी होती है, लीडरशिप क्वालिटीज रहती हैं, लेकिन साथ ही साथ थोड़ी सी इगोइस्टिक टाइप की पर्सनैलिटी रहने की भी संभावना बनती है। और फिंगर्स थिक हो तो ऐसी फिंगर्स इंडिकेट करती हैं काफी अच्छी एनर्जी और स्टैमिना को। और अगर इनकी शनि फिंगर को देखा जाए तो आप देख सकते हैं शनि फिंगर की लंबाई यहाँ पर काफी अच्छी है, जो इंडिकेट करती है काफी हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और ऐसे व्यक्ति अपनी इसी क्वालिटी की वजह से लाइफ में काफी अच्छी प्रोग्रेस पा लेते हैं। और अगर इनकी सूर्य फिंगर को देखा जाए तो सूर्य फिंगर यहाँ पर अच्छी लेंथ में है, बेशक यह यहाँ पर थोड़ी सी शॉर्ट नजर आ रही है अगर हम कंपेयर करते हैं इनको बृहस्पति फिंगर के साथ, लेकिन इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना व्यक्ति को क्रिएटिव नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति का सोशल सर्कल भी काफी अच्छा रहता है जिनकी सूर्य फिंगर की लेंथ अच्छी हो और बिल्कुल स्ट्रेट फिंगर हो। आगे आप देख सकते हैं इनकी मर्करी फिंगर को, मर्करी फिंगर यहाँ पर थोड़ी सी शॉर्ट नजर आ रही है अगर हम कंपेयर करते हैं इनकी सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंस से, तो यहाँ पर थोड़ी शॉर्ट होती हुई और अदरवाइज थोड़ी सी टिल्टेशन इस फिंगर में। कम्युनिकेशन स्किल्स इनके अच्छे रहेंगे, वैसे नेचर इनकी एक्सट्रोवर्ट रहने वाली है, कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़े से मीडियम रहेंगे क्योंकि यहाँ पर इनका माउंट बहुत अच्छा है। अगर हम इस माउंट को देखते हैं मर्करी माउंट को, यह काफी प्रोमिनेंट है लेकिन फिंगर की लेंथ जो है वो मीडियम है, यहाँ पर बहुत ज्यादा लंबाई में इस फिंगर को हम नहीं कह सकते। आगे चेक करते हैं सभी माउंट्स को और उसके बाद हम चेक करेंगे सभी रेखाओं को। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो आप देख सकते हैं किस तरह की एक लाइन बनेगी जो यहाँ पर हम माउंट्स की सेटिंग को दर्शाएगी, कुछ बिल्कुल इस तरह से एक सीधी रेखा यहाँ पर ड्रॉ हो रही है जिसमें कोई भी माउंट लो सेट होता हुआ नजर नहीं आ रहा, सभी माउंट्स को यहाँ पर एक अच्छी और प्रॉपर स्पेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो सबसे मेन चीज यहाँ पर देखने वाली है इनके बृहस्पति माउंट को, अगर हम देखें तो काफी उभरा हुआ है बृहस्पति माउंट, यह माउंट अगर प्रोमिनेंट हो तो व्यक्ति काफी अच्छी नॉलेज गेन करता है अपनी लाइफ में। और साथ ही साथ अगर बृहस्पति फिंगर जिस तरह से इनकी काफी लंबाई में है, ये दोनों चीजें इकट्ठी होती है तो ऐसे व्यक्ति के भीतर काफी अच्छी नॉलेज और साथ ही साथ थोड़ी सी इगोइस्टिक क्वालिटीज भी आ जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं इनके शनि माउंट को, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि शनि माउंट को थोड़ा सा दबता हुआ शनि माउंट नजर आ रहा है, यह जो एरिया है अब देख सकते हैं अंदर की तरफ दबता हुआ, जो इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति को लाइफ में काफी हार्ड वर्क करना पड़ता है। अगर यह माउंट प्रोमिनेंट हो और एक अच्छी शनि रेखा मौजूद हो तो सब कुछ व्यक्ति को बिना मेहनत के मिल जाता है, लेकिन अगर यह माउंट दब रहा हो जैसा हम यहाँ पर देख रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति को मिलता सब कुछ है लेकिन काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है लाइफ में। और आप देख सकते हैं इनके हाथ में शनि रेखा मौजूद है, शनि रेखा को अगर हम क्लोजअप करके देखते हैं तो यहाँ पर यह शनि रेखा इनके हाथ में इस एरिया से ऊपर बढ़ती हुई नजर आ रही है और यहां से यह रेखा आगे भी कंटिन्यू हो रही है। इस तरह की शनि रेखा का होना इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति की लाइफ में काफी सारे कंफर्ट्स रहेंगे। और इवन अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यह जो ब्रांच है शनि रेखा की, यह इंडिकेट करती है कि ऐसे व्यक्ति की जो इनकम है वो ओल्ड एज में भी बनी रहती है। तो ओवरऑल यहाँ पर 58 के आसपास की एज में थोड़े से चेंजेस फाइनेंशियल स्टेटस में आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर यह रेखा रुककर दोबारा चल रही है, लेकिन यह रेखा आगे यह भी शो करती है कि ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज काफी कंफर्टेबल रहती है और थ्रू द लाइफ ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत के जरिए काफी अच्छा धन कमाता रहता है। चलिए आगे देख सकते हैं इनके सूर्य माउंट को, तो यहाँ पर अगर हम इनका सूर्य माउंट चेक करते हैं तो एक छोटी सूर्य रेखा यहाँ पर नजर आ रही है कुछ इस तरह की, उसके साथ कुछ असिस्टेंट लाइंस भी यहाँ पर हैं।
ऐसी सूर्य रेखा का यहाँ पर होना इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति को जो फेम है, जो रिकॉग्निशन है, वो लेटर एज में चलकर मिलती है, क्योंकि सूर्य रेखा का लंबाई में होना बहुत जरूरी है अच्छे फेम के लिए। अगर यह रेखा कुछ इस तरह से लंबी मौजूद हो तो व्यक्ति छोटी एज से ही फेमस होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर यह रेखा हार्ट लाइन के बिल्कुल ऊपर हो, यह जो रेखा यह हार्ट लाइन कहलाती है, अगर इसके ऊपर ही यह रेखाएं मौजूद हो तो यह इंडिकेट करती है कि ऐसा व्यक्ति लेटर एज में चलकर काफी अच्छी रिकॉग्निशन पाता है, काफी अच्छी जो पहचान है व्यक्ति की वो सोसाइटी में बन जाती है। और इस माउंट के ऊपर एक से ज्यादा रेखाओं का होना यह भी इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति के अंदर मल्टीटास्किंग क्वालिटीज रहती हैं, और अपनी इन्हीं क्वालिटीज की वजह से व्यक्ति काफी ज्यादा प्रोग्रेस भी लाइफ में पाता है। आगे आप देख सकते हैं इनके मर्करी माउंट को। मर्करी माउंट अगर यहाँ पर देखा जाए तो काफी उभरा हुआ है, यह जो एरिया है आप देख सकते हैं काफी आपको प्रोमिनेंट और ऊपर की तरफ उठा हुआ नजर आएगा। इस तरह का मर्करी माउंट होना इंडिकेट करता है कि व्यक्ति की कैलकुलेशंस, व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन और खास तौर पर एनालिसिस करने की जो पावर रहती है वो काफी अच्छी रहती है। ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ में अपनी इन्हीं कैपेबिलिटीज की वजह से काफी अच्छी प्रोग्रेस पाते हैं, क्योंकि जिन लोगों का मर्करी और बृहस्पति माउंट अच्छा होता है, ऐसे व्यक्ति की विजडम और नॉलेज बहुत अच्छी रहती है। तो ये सभी क्वालिटीज इनके भीतर यहाँ पर नजर आ रही हैं। और इस माउंट के ऊपर खड़ी रेखाओं का होना अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ एक ही खड़ी रेखा मुझे नजर आ रही है क्लोजअप में, और अगर देखा जाए तो कुछ हल्की रेखाएं यहाँ पर हैं लेकिन बहुत ज्यादा डीप कट नहीं है। तो इस माउंट के ऊपर जितनी ज्यादा खड़ी रेखाएं होती हैं उतना ज्यादा बेनिफिट व्यक्ति को मिल पाता है। चेक करते हैं इनकी मेजर लाइंस को, किस तरह से इनकी जो मेन लाइंस है वो एक्ट कर रही है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं इनकी जो हार्ट लाइन है काफी अच्छे कर्व में नजर आ रही है, कुछ इस तरह की इनकी हार्ट की लाइन, यह रेखा आपको ऊपर की तरफ मुड़ती हुई नजर आएगी। और जिनकी भी हार्ट की लाइन इस तरह से अच्छे कर्व में होती है, ऐसे व्यक्ति काफी ज्यादा केयरिंग नेचर के होते हैं, और थोड़ी सी इमोशनल टाइप की नेचर भी ऐसे व्यक्ति की होती है, थोड़े से भावुक होते हैं, और थोड़ी सी जो नेचर व्यक्ति की रहती है इमोशंस में बह जाने वाली होती है। और जिन लोगों की हार्ट की लाइन स्ट्रेट होती है ऐसे व्यक्ति काफी प्रैक्टिकल होते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी कम हो जाती है, ऐसा व्यक्ति दिल से ज्यादा काम लेता है, माइंड से भी ज्यादा। और अगर इनकी माइंड की लाइन को हम चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं माइंड की लाइन में गैप्स नजर आ रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर यह इनकी लाइफ लाइन है और यह इनकी माइंड लाइन है जो ऊपर की तरफ चल रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेजर गैप शो कर रही है। इस तरह का गैप होना माइंड लाइन और लाइफ लाइन के बीच में व्यक्ति को जिद्दी स्वभाव देता है, ऐसे व्यक्ति काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं जिनकी इन दोनों रेखाओं के बीच में गैप होता है, और अपनी मनमर्जी करने वाले होते हैं। और यही वजह रहती है कि फैमिली के साथ ऐसे व्यक्ति की बहुत ज्यादा नहीं बन पाती। रीजन यह रहता है कि यह जब रेखाएं दोनों जुड़ी होती हैं, आपको दिखाना चाहूंगा ड्रॉ करके, अगर यह रेखाएं जब इस तरह से दोनों आपस में जुड़कर चलती हैं और आगे चलकर यह रेखाएं अलग अलग होती हैं, तो यह जितनी एज तक यह रेखाएं आपस में जुड़कर चलती हैं उतनी एज तक व्यक्ति डिपेंडेंट होता है अपनी फैमिली के ऊपर, अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग चलने वाला होता है। लेकिन जैसे ये रेखाएं अलग अलग हो जाती हैं, जैसे यह रेखा अपने कोर्स पे चल पड़ती है और यह रेखा अपने रास्ते पर चलती है, तो उस एज से लगभग वो 24-25 के आसपास की एज से ऐसा व्यक्ति इंडिपेंडेंट हो जाता है। लेकिन जब यह चीज बनती है कि यह रेखा बिल्कुल शुरू से ही अलग हो और दोनों के बीच में यहाँ पर काफी अच्छा गैप हो, तो यह इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति बचपन से ही इंडिपेंडेंट रहना पसंद करेगा, किसी की डोमिनेंस ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं होगी। तो इस तरह की नेचर यहाँ पर इनकी निकल कर सामने आ रही है, लेकिन साथ ही साथ इमोशनल भी है, क्योंकि यह जो रेखा है बिल्कुल कर्व में है, अगर यह रेखा सीधी हो जाए तो व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाएगा। और आगे आप देख सकते हैं कुछ चेंजेस आ रही हैं इनकी माइंड लाइन में, माइंड की लाइन यहां तक सीधा चलते हुए और उसके बाद यह रेखा बिल्कुल अलग होती हुई, जो लगभग इंडिकेट करती है कि 30s के अराउंड एज में फिर से लाइफ में कुछ चेंजेस आने वाले हैं। यह रेखा थोड़ा सा नीचे की तरफ रुख ले रही है और बिल्कुल स्ट्रेट चल रही है। यह रेखा जिस जगह पर चल रही है यह बहुत ही परफेक्ट प्लेस है, ऐसी अगर यह रेखा बिल्कुल सीधी यहां से चलती तो और भी ज्यादा अच्छा रहता, बिल्कुल यहां से इस तरह की सीधी माइंड की लाइन अगर किसी व्यक्ति की हो तो ऐसे व्यक्ति प्रैक्टिकल नेचर के बहुत ही शार्प माइंडेड होते हैं। तो यहां पर 30s की एज के बाद यह क्वालिटीज इनके भीतर आ जाएंगी और यह बिल्कुल प्रैक्टिकल हो जाएंगे और काफी शार्प माइंडेड पर्सनैलिटी के रूप में उभर कर सामने आएंगे। आगे आप देख सकते हैं इनकी लाइफ लाइन को, यहाँ पर लाइफ लाइन में भी कुछ चेंजेस नजर आ रहे हैं, आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह से इनकी लाइफ लाइन एक्ट कर रही है।
यहां से लेकर लगभग इस एरिया तक लाइफलाइन सीधी चलती है, उसके बाद बारीक ब्रांच इस तरह से, और यहां से आप देख सकते हैं यह जो इनकी भाग्य रेखा है इसके साथ ये लाइफलाइन सहारा लेकर चलती हुई और आगे चलकर फिर से नॉर्मल कोर्स पे कंटिन्यू होती है। तो यह क्या इंडिकेशन देती है कि जब भी ऐसी लाइफ की लाइन बाहर की तरफ निकलती है तो ऐसा व्यक्ति कुछ समय के लिए बिल्कुल हार्डवर्क करने लग जाता है, अपनी लाइफ में से सारे इंजॉयस व्यक्ति के कम हो जाते हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यह 50 के आसपास की एज में आकर इस तरह से चेंज हो रही है लाइन, और 60 से आकर फिर से आगे बढ़ रही है। तो ओवरऑल जो एज रहेगी इनकी 80 के आसपास रहेगी, लेकिन लाइफ में एक ऐसा दौर भी आएगा जब ये बहुत ज्यादा मेहनत करना शुरू कर देंगे और वो एज रहेगी 50 के अराउंड। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि उस एज में बिल्कुल व्यक्ति को टफ टाइम ही देखना पड़ेगा, क्योंकि भाग्य रेखा के साथ यह रेखा मिल रही है, तो वह जो एज रहेगी वह ज्यादा प्रोग्रेस की रहेगी और ओवरऑल एज लंबी रहने वाली है। और कोई भी मेजर इशू मुझे यहाँ पर इनकी लाइफलाइन से नजर नहीं आ रहा। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी लाइफ, इनकी जो भाग्य रेखा यह भी डबल है, कुछ इस तरह से इनकी भाग्य रेखा चलती हुई, यह इंडिकेशन देती है कि ऐसा व्यक्ति काफी भाग्यशाली होता है और ऐसे व्यक्ति को लाइफ में डबल दोहरी इनकम होने की संभावना भी रहती है। आगे आप देख सकते हैं इनके शुक्र माउंट को, यह जो एरिया है शुक्र माउंट का एरिया है उभरा हुआ है, कुछ हल्की वरी लाइंस हैं लेकिन बहुत ज्यादा डीप कट नहीं है, तो ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। एक अच्छी मैरिड लाइफ को यह एंजॉय कर पाएंगे और साथ ही साथ शुक्र माउंट का अगर प्रोमिनेंट हो शुक्र माउंट, तो यह व्यक्ति को हर तरह की सुख सुविधाएं, लाइफ की कंफर्ट्स, लग्जरीज भी दिलवा देता है। और अगर इनके चंद्र माउंट को देखा जाए तो चंद्र माउंट के ऊपर किसी भी तरह की कोई नेगेटिव चिन्ह नजर नहीं आ रहा, ना ही बहुत ज्यादा रेखाएं हैं यहाँ पर, तो यह एक स्टेबल माइंडेड पर्सनालिटी को इंडिकेट करती हैं। जिनका भी चंद्र माउंट स्ट्रांग रहता है ऐसे व्यक्ति अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल रख पाते हैं, प्रैक्टिकल होकर जी पाते हैं। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।